हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि लखनऊ DTU और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था, हम BSc बायो MLT और जो भी BSc बायो से रिलेटेड एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी तक हमने दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। पहला चैप्टर किया था सेल थ्योरी की और नेक्स्ट चैप्टर हमने किया था प्लांट किंगडम। एंड हमने बात की थी कि अगले लेक्चर में हम एनिमल किंगडम के बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की प्रॉबिलिटी को बहुत ज़्यादा रखता होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको देखना क्यों ज़रूरी है और अंत तक क्यों देखना जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि मेरा जो कंटेंट होगा ना, मैं ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर किसी एक मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। आप देख पाओगे एक साइड में हिंदी में लिखा होगा, एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप अपना मीडियम के अकॉर्डिंग अपने आप पढ़ते चले। मैं क्वेश्चन को मे भी दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, एक लैंग्वेज में कराऊंगा, वो सेटअप होता रहेगा। एंड एक आखिरी बात, अगली बात ये करेंगे कि जैसा कि अभी आपने 3 तारीख को एक मॉक टेस्ट दिया होगा, 3rd मॉक टेस्ट, और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एक नया टेस्ट भी लॉन्च किया जाए। तो हमने एक डेट डिसाइड की, 9th of this July, यानी कि 9 जुलाई को हम एक नया मॉक टेस्ट, टेस्ट नंबर 4 रखेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे बनाएं, और इफ़ अगर आप ये सारी PDF या बहुत सारी कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आपको वहाँ पे हुंकार सीरीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से सारा का सारा कंटेंट जो भी पढ़ाया जाता है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी आपका सब्जेक्ट टॉपिक है उसका कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, और उसके जितना भी एनिमल किंगडम के क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कहता है कि द बॉडी ऑफ द टेपवॉर्म इज सेड टू बी, यानी कि कहा जाता है कि यह शरीर टेपवॉर्म का है। ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैं इसका हिंदी वर्जन खुद से बताऊंगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। यानी कि क्वेश्चन कहता है टेपवॉर्म की जो बॉडी है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में आपको मिलेगा अनसेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड, मैटामेरिकली सेगमेंटेड एंड नन ऑफ दीज। तो याद रख लेना कि जो टेप वॉर्म होता है, क्या होता है, टेप वॉर्म होता है, उसकी जो बॉडी होती है क्या होती है, वो स्यूडो सेगमेंटेड होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मीनिंग नहीं पता होगा कि ये स्यूडो सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है। तो देखो, नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं। तो देखो, सेगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीसेज में या टुकड़ों में बटा होना, क्या पीसेज या टुकड़ों में बटा होना, एक नहीं कई सारे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं ट्रूली सेगमेंटेड। बट अगर हम कभी कभी क्या बोले, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, क्या होता है, झूठा होता है। तो इस वाले सेगमेंटेड में जो सेगमेंटेशन है वो ट्रू नहीं होता है, यानी कि ऊपर से तो हमें दिखेगा कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, लेकिन जब हम उसके बॉडी के सेक्शंस को करेंगे, क्या करेंगे, उसके बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर हमें कोई भी सेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि वो हमें धोखा दे करके एक अपने आप को सेगमेंटेड दिखाता है जो कि हकीकत में होता नहीं है, एक प्रकार का धोखा है, छल है, और इसको हम स्यूडो सेगमेंटेड, स्यूडो का शब्द जहां पर भी आपको देखने को मिले इसका मतलब होता है झूठा, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन पोडिफेरा ओनली, दैट मीन ऐसी कौन सी कोशिका, ऐसी कौन सी सेल होती है इनमें से, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो सिर्फ पोडिफेरा में पाई जाती है। तो याद रख लेना, क्विनोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि पोडिफेरा में पाई जाती हैं। अगर हम नीडोब्लास्ट की बात करें तो नीडोब्लास्ट नेक्स्ट फाइलम में पाई जाती है। अब नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा के बाद कौन सा आता है, कमेंट डाउन करके आपको बताना कि पोरीफेरा के बाद कौन सा फाइलम आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि पोरीफेरा के बाद कौन सा आता है, तो याद रख लेना नीडो ब्लास्ट जो होता है वो पोरीफेरा के बाद में आता है, ठीक है। अगला, सेंसरी सेल्स, ग्लैंड सेल, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। और हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पोरीफेरा में पाई जाती है, क्विनोसाइट, नीडोब्लास्ट, संवेदी कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं। इसका करेक्ट आंसर नीडोब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्विनोसाइट्स हो जाएगा, क्विनोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन सीलेंट ट्रेड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्तर का संगठन सहसंयोजन में पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है आपको सीलेंट ट्रेड्स में। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम यहाँ पे बात करें, वो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यही है कि उसमें सेल्स, सेल होती है, टिश्यू होता है, तो इस बेसिस पे अगर हम किसको देखेंगे, सीलेंट ट्रेड्स को देखेंगे, तो सीलेंट ट्रेड्स
टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें, किसकी बात करें, सेलुलर लेवल की बात करें, तो यहाँ पे नीडो जो नाइडेरिया ग्रुप आता है, नाइडेरिया फाइलम आता है, नाइडेरिया में सेलुलर होते हैं, सेम आपको मिल जाएगा देखने को, असेलुलर मिल जाएगा आपको, परिफेरा में असेलुलर मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आता है इसको कमेंट डाउन करके आपको बताना है, और मे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोसील इज प्रेजेंट इन, यानी कि हीमोसील उपस्थित कहाँ होता है। तो सबसे पहले हीमोसील प्रेजेंट इन का हम मीनिंग समझेंगे, क्या हीमोसील इज प्रेजेंट इन का मीनिंग समझेंगे। तो देखो, हीमो और सील दो चीज़ों से मिलकर के बना, हीम यानी कि ब्लड, एंड सील मतलब एक ऐसी वैकेंट स्पेस या फिर वैकेंट कैविटी बोल सकते हैं। मतलब देखो, एक ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है वो कौन से फाइलम या कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रख लेना, क्या इंसेक्ट में हीमोसील प्रेजेंट होता है। लेकिन अब आपको एक नया यहाँ पे मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, क्या इंसेक्ट होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं, वो आपको मुझे बताना है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, और वो सबसे बड़ा फाइलम भी होता है, क्या सब बिगेस्ट फाइलम, उसमें इंसेक्ट्स आते हैं। बिगेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, इन एनिमल किंगडम कौन सा है, उसका नाम क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कमेंट डाउन करके आप मुझे बताओ कि इंसेक्टा जिसमें रखा गया है उसके फाइलम का क्या नाम है, ठीक है। और होते होते मुझे जब भी अगर बीच में याद आएगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा इंसेक्टा कौन से फाइलम में रखा हुआ है। कभी कभी होता है स्लिप हो जाता है आउट ऑफ माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सक्रीशन इन फ्लैट वर्म्स इज बाय, यानी कि चपटे कृमियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी कि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो फ्लैट वर्म में किस ऑर्गन के द्वारा, किस ऑर्गेनेल के द्वारा, किस सेल के द्वारा होती है, ऐसा पूछा गया है। तो याद रख लेना, फ्लेम सेल्स के द्वारा, फ्लैट वर्म। अब याद रखने की बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है किस में रहेगा, तो याद रख लेना फ्लैट लिखा है, एप से शुरू है तो एप से यहाँ पर भी फ्लेम लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेफ्रॉन से, तो नेफ्रॉन एक किडनी का पार्ट है, तो इससे एक्सक्रीशन नहीं होता जहाँ तक, और इससे फिल्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाई, यानी कि मूंगा चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि जो कोरल रीफ है वो किस चीज़ से मिलकर के बनता है, इकाइनोडर्मेटा से बनता है या फिर सीलेंट्रेट से बनता है, मोलस्क से बनता है, शेल से बनता है। तो याद रख लेना सीलेंट्रेट्स, यानी कि सीलेंट्रेट से आपका कोरल रीफ बनता है, ठीक है। और कोरल रीफ पाया कहाँ जाता है, तो याद रख लेना कोरल रीफ हमेशा पाया जाता है मैरीन वाटर में, क्या ये थोड़ा दिक्कत करता है, कोरल रीफ पाया जाता है मैरीन वाटर में, कहाँ पे पाया जाता है, मैरीन वाटर में या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्टी वाटर में, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्नेथा, यानी कि इनमें से ऐसे कौन सा फीचर है, ठीक है, जो एग्नेथा का नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अग्नेथा और गनेथा में डिफरेंस नहीं जानते होंगे कि क्या होता है और ये क्या है। तो याद रख लेना ये गनेथोस्टोमेटा, गनेथा, ये सब फिशेज की क्लासेस हैं, फिशरीज की क्लासेस हैं। और एक देखो, गनेथा का मतलब होता है जॉ, यानी कि जबड़ा, जबड़ा होता है उसको हम गनेथा बोलते हैं, गनेथा, ठीक है। और एक नेथा का मतलब किसी भी शब्द के आगे आपके अगर ए लिखा हुआ मिलता है आपको, तो दैट मीन्स जो भी आगे वर्ड लिखा हुआ उसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो ऐसे फीचर की बात कर रहा है, यानी कि ऐसे फीचर कौन सा है, कौन से ऑर्गेनेल्स फिश का है जिसमें आपका ये जबड़ा नहीं होता है, यानी कि एबिशंस ऑफ जॉ, ठीक है, यानी कि उसमें जबड़ा नहीं होता है। वो कौन सा फीचर इनमें से किस में पाया जाता है, पैरेटसाइट्स में, जॉलेस माउथ में, और पेयर्ड फिन्स में, और हॉर्नी टीथ्स में, ठीक है। तो याद रख लेना जो पेयर्ड फिन्स होती हैं उनमें नहीं पाया जाता है, दैट मीन पेयर्ड फिन्स जो होते हैं। और देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो फीचर पैरासाइट, जॉलेस माउथ और हॉर्नी टीथ, ये फीचर है एग्नेथा के, किसके हैं, एग्नेथा के। ये जो तीन फीचर दिए गए हैं ये एग्नेथा के फीचर हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेयर्ड फिन्स की, तो ये गनेथोस्टोमेटा का फीचर है, गनेथोस्टोमेटा का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ शार्क डज नॉट हैव, यानी कि एक शार्क के पास क्या नहीं होता है इनमें से, गिल स्लिट्स नहीं होती है, स्विम ब्लैडर नहीं होता, प्लैकोइड स्केल्स नहीं होती, वेंट्रल माउथ नहीं होता, या फिर स्विम ब्लैडर नहीं होता। देखो अगर हम बात करें गिल स्लिट्स की क्या होता है, स्विम ब्लैडर, ये सारी चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, बट अगर हम स्विम ब्लैडर की बात करें तो स्विम ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कुछ एक बलून के स्ट्रक्चर की तरीके से होता है। अगर आप कभी भी कोई फिश का डाइसेक्शन देखेंगे, बड़ी फिश का, यानी कि जैसे सार्क हो गया, ठीक है, समुद्री फिशेस का जो कि बहुत बड़े साइज में होती है, अगर आप डिस्कवरी नेट जियो प्लैनेट पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक फिश का जब भी उन्होंने डाइसेक्शन किया होगा तो एक फूला हुआ गुब्बारे के तरीके से होगा, जो क्या करता है अपने अंदर एयर को रखता है, और वो क्या करता है, एयर रखता है और बायोन्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यार लेकिन देखो यहाँ पे नहीं होता है, आपने कभी भी शार्क देखी होगी तो शार्क कभी भी रुकी हुई नहीं देखी होगी, आपने जब भी मूवी में देखी होगी शार्क का एक ऐसा पूंछ का या फिन का जो एक पंख होता है वो ऊपर निकला रहता, शार्क हमेशा आपको तैरती हुई मिलेगी, कभी रुकी हुई नहीं मिलेगी। उसका कारण यही है कि उसके पास स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर एबसेंट होता है उसकी बॉडी में, जो इतना बड़ा बलून गुब्बारा होता है वो नहीं होता है। बट अब अगर आप जनरली फिशेज में देखोगे उनमें स्विम ब्लैडर बिल्कुल प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक फिश एक गहराई में जा सके, एक जगह रुक सके, स्टेबल रह सके, बट शार्क्स कभी भी स्टेबल अपनी जगह पे नहीं रह सकते, उन्हें हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। ओके, जैसे कि चिड़ियों को आपने देखा होगा, चिड़ियों के पास पंख होते हैं, वो आसमान में कभी रुक नहीं सकते, हमेशा तैरना पड़ता, उड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से जिस भी फिशेस के अंदर, जिस भी एनिमल के अंदर ब्लैडर है वो हमेशा रुक पाएगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं रुक पाएगा, उसे हमेशा तैरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इसमें से कौन सा एनिमल है जिसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो याद रख लेना, इनमें से फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल में से क्रोकोडाइल होता है। अब देखो एक मजेदार बात ये बताता हूँ कि क्रोकोडाइल को ऐसे ग्रुप में रखा गया है, क्या, क्रोकोडाइल के को ऐसे ग्रुप में रखा गया है जिसमें ओनली थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं, क्या, थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन हो जाता है जिसके अंदर चार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चार चैम्बर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, यानी कि देखो स्पॉन्जेस का दूसरा नाम पॉरीफेरा है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप याद कर लो। और यहाँ पे पूछा गया कि इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज का एक विशिष्ट लक्षण है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, टिश्यू लेवल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टिश्यू लेवल आपका नाइडीरिया से स्टार्ट होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्कुलम क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉरीफेरा की बॉडी होती है ये कुछ इस प्रकार से होगी, आपने अपने एनसीईआरटी की किताबों में ज़रूर देखा होगा, कुछ इसी प्रकार से आपका ये जो पॉरीफेरा इसी प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से अगर आप देखोगे इस पर कुछ ऐसे पोर्स बने होंगे, पोर्स की अगर हम बात करें, पोर्स क्या होते हैं, तो पोर्स ये नहीं वर्क कर रहा है, शायद मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ पोर्स बने होंगे, क्या बने होंगे, पोर्स बने होंगे, पोर्स का मतलब होता है छेद जिसके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस है सब उसी के थ्रू करते हैं, क्या करते हैं, सब उसी के थ्रू करते हैं। तो इन्हीं होल्स को, इन्हीं ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये जो होल्स हैं जिसके थ्रू वाटर अंदर जाता है उससे हम ऑस्टिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ये एक यूनिक फीचर है किसका, स्पॉन्जेस का या फिर पॉरीफेरा का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉलर सेल्स आर फाउंड इन, यानी कि कॉलर सेल्स किस में पाए जाते हैं, तो याद रख लेना कॉलर सेल्स भी स्पॉन्जेस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगला हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ इन पॉरीफेरा, यानी कि पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में, क्या, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में स्केलेटन किस चीज़ से बना होता है, तो याद रख लेना पॉरीफेरा और इसमें स्पॉन्जेस में स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उससे मिलकर के बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एनिमल इज अम्ब्रेला से देन फ्री स्विमिंग, तो याद रख लेना ऑरेलिया एंड जेलीफिश, ये भी आपका जो ये एग्जांपल है जिसमें हाइड्रा आता है आपका ऑप्शन फाइलम नंबर टू, जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था नाइडेरिया, ठीक है।
उसी का एग्जाम्पल है ऑरेलिया एंड जेलीफिश, ठीक है, और इनके अंदर अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं एंड दे फ्री स्विमिंग, यानी कि ये तैर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी के तीन गलत हैं। अब देखो, फाइजेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ बॉर, पेनुटोला, इसको सी फैन है नहीं, इसको सी पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, और एडामसिया को बोलते हैं सी एनीमोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी एनीमोन बोलते हैं, सी एनीमोन बोलते हैं, एनीमोन, ठीक है। और यहाँ पे एगिगोनिया, ऐसा सी ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है आपके, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बट आप एग्जाम के लिए जरूरी नहीं आपसे यही पूछा जा सकता, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना इनको भी। आप पेनुटोला को सी पेन बोलते हैं, एडामसिया को सी एनिमोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोरल हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो कोरल्स होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो किस चीज से मिल करके बना होता है, तो ये चीज़ आपको सबको पता होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू से बना होता है इनका स्केलेटन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नाइडोब्लास्ट यूज फॉर, अब देखो नाइडोब्लास्ट नाइडेरिया ग्रुप में फाइलम में होता है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या इसका यूज होता है, ऐसा आपसे पूछा गया है, तो याद रख लेना, क्या कर लेना, याद रख लेना कि एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, कैप्चर के लिए, इन सभी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर कोई प्रे यानी कि शिकार उसके आसपास है तो उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए और अपनी बचाव के लिए भी ये नाइडोब्लास्ट नाम की जो सेल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसके मतलब कि चार के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज लोकेटेड, यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, अथवॉम और ये सब ऐसा करके ऑप्शन, ये बहुत बेकार क्वेश्चन है, दैट मीन इसका आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ लेना, इसका ऑप्शन आपका हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, और ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बट ये इतना हार्ड क्वेश्चन टॉपिक माना जाएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टीनोफोर्स आर कॉमनली नॉन एज, यानी कि टीनोफोर को हम कॉमनली क्या, सामान्य भाषा में टीनोफोर्स को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है आमतौर पर, तो याद रख लेना टीनोफोर्स को हम सी वॉलनट्स बोलते हैं, क्या, सी वॉलनट बोलते हैं, और टीनोफोर्स क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि उनके अंदर एक नेचुरल ऐसी कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि चमकते हैं, जैसा कि आपने जुगनू को देखा होगा जो चमकते हैं, इसी प्रकार से टीनोफोर्स भी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को रखते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की स्पेलिंग आप देख लेना, रखते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, प्लूरोब्राकिया, टीनोप्लाना, ये दो एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्राकिया, प्लूरोब्राकिया, टीनोप्लाना। और एक मस्त चीज़ बताऊँ मैं इसके बारे में, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये टीनोफोर वाला, और ये पहले क्या, पहले टीनोफोर्स को पहले रखा गया था किसमें, आपका नाइडेरिया ही ग्रुप में, फाइलम में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है उसके कारण इसको एक नया ग्रुप में, ग्रुप बोली तो फाइलम में रखा गया, और आपसे बहुत बार पूछा जाएगा इसी चैप्टर से, इसी टीनोफोर से, कि इनके अंदर हेयर कॉम्ब होती है, क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कॉम्ब बोलते हैं, हेयर कॉम्ब बोलते हैं, और वो कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने, याद रख लेना, ये जो हेयर लाइक कॉम्ब स्ट्रक्चर हैं वो आठ होते हैं, कितने होते हैं, आठ होते हैं, ये बात को भी आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आठ लिखने में मुझे हो रही थोड़ी सी परेशानी, ये लिख दिया मैंने, तो आठ होते हैं, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज में कौन सी एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, तो याद रख लेना प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स होती हैं, और फ्लैट बॉम, प्लेटी हेलमिंथीज का ही नेक्स्ट यानी कि अदर नेम है फ्लैट बॉम, और इसमें जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं वो फ्लेम सेल्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है विच इज करेक्ट फॉर द अर्थवॉर्म, यानी कि अर्थवॉर्म के लिए क्या सही है, तो याद रख लेना अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी ट्रूली सेगमेंटेड होती है, पैरापोडिया उसमें अंदर होता है, पैरापोडिया होता है ताकि वो लोकोमोशन या फिर मूवमेंट कर पाए, और नेफ्राइडिया होता है ताकि वो ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन है उसको कर पाए, यानी कि जो चार के चार, तीन के तीनों ऑप्शन है, तीनों सही है, दैट मीन आपका ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट अगर हम हिंदी में यही देख लें तो जो केचुए के लिए सही है उनमें चिन्ह लगाएं, यानी कि खंड होता है, पैरापोडिया नेफ्राइडिया होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है ब्लड सकिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि चूसते हैं खून को, यानी कि खून चूसने वाला जानवर इनमें से कौन सा है, तो याद रख लेना नेरिस, अर्थबॉम, ए एंड बी, एंथलीच,
आपको लीच पता होगी जिसे हम हिंदी भाषा में जोक भी बोलते हैं, जो कि ब्लड सकिंग एनिमल होता है, आप सभी को पता होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन, यानी कि हिंदी में देखेंगे जल नाड़ी तंत्र जो मदद करता है, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम, पानी वाला जो वैस्कुलर सिस्टम वो किस चीज़ में मदद करता है, क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछ रखा है। अब देखो कोको मोशन नहीं है, लोको मोशन लिखा हुआ, अब वैस्कुलर सिस्टम लोको मोशन में मदद करेगा कि नहीं करेगा सोचो आप एक बार। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इसमें कौन सा मदद करेगा, और रेस्पिरेशन करेगा कि नहीं करेगा, गलत है आप। पॉलीफेरा का एग्जाम्पल देखो ऑस्ट्रिया, मैंने बताया था ना इसी के थ्रू होके जाता है, और इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, और ये सभी में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करता है, रेस्पिरेशन में करता है, चार के चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाई अ डैश वेंट्रल कॉलम इन अ कोडेट, यानी कि कोडेटा में नोटोकोड को कशेरुक स्तंभ द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, यानी कि कार्टिलेज के द्वारा, बोनी के स्ट्रक्चर के द्वारा, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रख लेना कि नोटोकोड को रिप्लेस किया जाता है कार्टिलेज के साथ और बोनी के साथ भी हो किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा नहीं है, बट ये क्वेश्चन नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो याद रख लेना जो आपका यूरोकोडेट है क्या होता है, यूरोकोडेट होता है जो कि एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं, क्या होता है एक्सक्लूसिवली मैरिन होता है, उसके अंदर जो आपका ये नोटोकोड होता है सिर्फ लार्वा में ही प्रेजेंट होता है, क्या होता है लार्वा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये थे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो या फिर ये क्लास बहुत पसंद आई हो, और या फिर जो भी आपको कमियां लगी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक दूसरी बात थी, अगर आप ये नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका सिर्फ बायो का ही नहीं, जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।